भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की क्षेत्रीय समिति की नवगठित कार्यकारिणी के सम्मान समारोह का आयोजन बेनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय पर किया गया। इस मौके पर महिला मोर्चा की क्षेत्रीय अध्यक्ष अमिता गुप्ता सहित समिति के सभी पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम के साथ किया गया। तत्पश्चात कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर क्षेत्रीय अध्यक्ष अमिता गुप्ता का स्वागत किया। इस संबंध में महिला मोर्चा की क्षेत्रीय अध्यक्ष अमिता गुप्ता ने कहा कि संगठन के लिए सभी महिलाएं पूरी तरह से समर्पित हैं और आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगी तथा 2022 में प्रदेश में दोबारा योगी सरकार बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की क्षेत्रीय अध्यक्ष अमिता गुप्ता ने कहा, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और हमारे सभी बहनों को जो नई जिम्मेदारी पार्टी ने दी है, हमारी सभी बहनें अपने नई जिम्मेदारी के साथ संगठनात्मक दृष्टि से इन लोगों का परिचयात्मक बैठक रखा गया है और हमारी सभी जिले की और क्षेत्र की बहनें आई हुई हैं। हम सब परिचयात्मक बैठक करके और आने वाले विधानसभा 2022 के चुनाव की पूरी बूथ से लेकर के और सेक्टर जिसको शक्ति केंद्र के नाम से भाजपा ने सत्यापन करने का जो संकल्प लिया है, मैं अपने महिला मोर्चा की तरफ से आपको विश्वास दिलाती हूं कि हम सबका यही संकल्प है कि 2022 हमारे पूज्य महाराज जी फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बन के आ रहे हैं और जनता की भी यही पुकार है, यही ललकार है और हम सबका भी यही पुकार और यही पहचान है। योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद।